वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज आपां बेटा जो गल करनी आ आपां साइंस दे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बारे गलबात करांगे। अपना प्री बोर्ड वाला पेपर जिहड़ा 15 तरीक नूं होना, ये जिहड़े क्वेश्चन आ तुहाडे प्री बोर्ड पेपर लई जां तुहाडे फाइनल एग्जाम लई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हन, क्योंकि आपां नूं साइंस विषय के पेपर के 30 क्वेश्चन है जोड़े वह एक एक अंकों वाले पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है जोड़े बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, तुसी ध्यान इन्हों समझना, वीडियो में एंड तक वेखना, ठीक है बेटा। तो जोड़े क्वेश्चन मैं उम्मीद है तुम्हें क्वेश्चन आते भी होने कई बच्चों, पर कुछ क्वेश्चन जोड़े तो नहीं आते होने वो तुम समझ लेने, ठीक है बेटा। करिए स्टार्ट। चलो हेठ लिखिया सही विकल्प चुनो। पहला प्रश्न, हेठा दित्ती रसायनिक क्रिया की किस्म दसो। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, केड़ी क्रिया बेटा, केड़ी क्रिया है। देखो ये सल्फेट लग्या सी एस ओ फोर, सल्फेट हुंदा बेटा इनू सल्फेट बोलते हैं। इस सल्फेट कॉपर ना लग्या सी, जिंक ने की किया कॉपर नू हटा के आप लग गया, ठीक है। जिंक ने कॉपर नू हटाता आप लग गया, मतलब जिंक का सल्फेट बन गया, कॉपर हो गया वार, ठीक है। जिंक ने कॉपर नू डिसप्लेस करता उसकी थान तो, ठीक है, मतलब विस्थापित करता, ठीक है। तो यह केड़ी क्रिया बेटा, विस्थापन क्रिया है, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन क्रिया, ठीक है बेटा। दूजी ऑप्शन इसलिए सही बनूगी। पानी दे बिजली अपघटन दौरान डैश अते डैश गैस पैदा हुंदी है, प्राप्त हुंदी है, ठीक है। किहड़ियां किहड़ियां गैसेस पैदा हुंदियां बेटा पानी दे बिजली अपघटन दौरान? हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन गैस। देखो ये अपने कोल रिएक्शन भी हुंदा है, H2O हाइड्रोजन गैस ते ऑक्सीजन गैस है जिहड़ियां अपने कोल पैदा हुंदियां पानी दे बिजली अपघटन दे दौरान, ठीक है। तो कि गैस आएगी ये सी ऑप्शन सही आएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पैदा होएगी, क्लियर है बेटा। उदू अगला क्वेश्चन देखो, Fe2O3 प्लस 2AL एलूमीनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। पहला आयरन का ऑक्साइड से एलूमीनियम आया, एलूमीनियम का ऑक्साइड बन गया आयरन बार। ये भी देखो एलूमीनियम ने आयरन नू डिसप्लेस करता, हटाता, ठीक है। एलूमीनियम ने आयरन नू, पहला आयरन का ऑक्साइड बनया हुआ सी, आयरन नू हटा के आप लग गया। तो यह केड़ी क्रिया बेटा, आप हूँ ही करके हटे हैं, केड़ी क्रिया बेटा है? विस्थापन क्रिया, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक घोल लाल लिटमस नू नीला कर दिंदा है, इसका संभव तौर पर pH है। देखो बेटा जिहड़ा घोल लाल लिटमस पेपर नू नीला कर दिंदा है वह घोल किहड़ा होगा बेटा? खारी घोल। तो जिहड़ा खारी घोल हुंदा उहदा pH मान आ जिहड़ा, उहदा pH मान 7 तो ज़्यादा होएगा, 7 तो ज़्यादा, फिर इत्थे किन्ना बेटा? 10। तो इहदे लई चौथी ऑप्शन सही आएगी। एक घोल अंडे दे छिलके दे बरीक टुकड़े नाल क्रिया करके गैस पैदा करके, गैस पैदा करता जो पानी नूं दूधिया कर दिंदी है, घोल विच मौजूद है। काफ़ी बार सौखा ही है, सब नूं आउंदा होणा, काफ़ी बार आ चुक्या, किहड़ा हुंदा बेटा घोल विच मौजूद? हाइड्रोकलोरिक एसिड HCl। दूजी ऑप्शन इसलिए सही आ जाएगी। हेठ लिखियां विचों केड़ी किस्म की दवाई बाद हाजमी का इलाज करने लई वरती जाती है? बाद हाजमी का इलाज करने लई जां एसिडिटी तेजाबीपन नूं घटाउण दे लई जिहड़ी वरती जाती है वह केड़ी हुंदी है बेटा? एंट एसिड, ठीक है। आप कहिंदे वी तेजाब बन गया उहदे लई जिहड़ी दवाई वरती जाती है, एंट एसिड वरती जाती है। आम तौर पर जिहड़ा प्रोडक्ट वरता जाता मिल्क ऑफ मैगनीशिया वरता जाता, मैगनीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हेठ लिखा विचों किहड़ा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करेगा? किहड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करेगा बेटा? कॉपर सिल्वर नाइट्रेट ते कॉपर धात, क्योंकि जिहड़ा कॉपर है वह सिल्वर नालों ज़्यादा क्रियाशील है, इस करके सिल्वर नालों ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर, ठीक है। इस करके कॉपर आ जिहड़ा, कॉपर का तो नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर बाहर हो जाएगा, मतलब विस्थापन प्रतिक्रिया होएगी, वो ताही होगी जो कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इस करके यह जोड़ा विस्थापन करेगा,
सिल्वर नाइट्रेट अते कॉपर धात। चौथी ऑप्शन इसलिए सही आ जाएगी। भोजन रखने वाले कैनां नूं टिन की झाल दिती जाती है जिंक की नहीं, क्योंकि बहुत आसान है भी क्यों दिती जाती है टिन की झाल जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक आ जिहड़ा वो टिन नालों ज़्यादा क्रियाशील हुंदा है। जे जिंक की देंगे वो क्रियाशील हुंदा है, वो कैनां नूं की लग जूगी जंग लग सकती है, खोरन हो सकता वह, इस करके दिती जाती है क्योंकि जिंक आ जिहड़ा टिन नालों ज़्यादा क्रियाशील है। इथेन का अणवी सूत्र C2H6 है, इस विच बंधन हैं, किन्ने बंधन ने भी इथेन का सूत्र बना दो C2H6, H6 मतलब 6 की लगिया ये हाइड्रोजन लगिया ने, गिन लो भी बंधन किन्ने बन गए, किन्ने बंधन बन गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 बंधन ने। ठीक है, इथेन दे विच 7 सह संयोजक बंधन ने। जो तुहानूं अलकेन दे विच बंधन पुछन, मिथेन प्रोपेन इथेन कोई भी पुछन, अलकेन होवे तां तुसीं कार्बन ते हाइड्रोजन जिन्ने भी ने इन्हां दा जोड़ कर लो, 8 बन गया जिवें इत्थे, उहदे विचों इक घटा दो उन्ने बंधन होणगे। ठीक है बेटा, जिवें इत्थे 7 बंधन ने, इन्हां दोवां दा जोड़ किन्ना बनदा सी 8, 8 चों इक घटा दो तां किन्ने होणगे 7 बंधन होणगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। उस अणु का नाम दसो जिस दी इलैक्ट्रॉन बिंदु रचना दी बनतर चित्र विच विखाई गई है, केड़ी बनतर है बेटा, कार्बन दे नाल 4 हाइड्रोजन लगिया हुई ने, यह बनतर है सिंपल तरीके नाल जे आपां बनाउणी होवे की है, भी यह CH4, CH4 की हुंदा बेटा मिथेन, एक इस अणु की संरचना इलैक्ट्रॉन बिंदु रचना है मिथेन दी है। ठीक है, एक परमाणु की इलैक्ट्रॉनी तरतीब 2 8 7 है, इसका परमाणु अंक की है, जे इलैक्ट्रॉनी तरतीब 2 8 7 है तो परमाणु अंक की होएगा, तो जोड़ 2 3 8 10 7 17, परमाणु अंक कितना होएगा बेटा 17 होएगा, तीजी ऑप्शन इसके लिए सही बन जाएगी। आधुनिक आवर्ती सारणी विच पहले 10 तत्तों विच कीड़ियाँ तत्तां हन, कीड़ियाँ तत्तां ने भी पहले 10 तत्तों के लीथियम ते ब्रीलियम, आधुनिक आवर्ती सारणी दे विच लीथियम मतलब दीजा परमाणु संख्या 3 है, ब्रीलियम जी दी परमाणु संख्या 4 है, ये तत्तां ने। अगे मल निकास प्रणाली दे दित्ते गए चित्र विचों भाग ए नूं अंकित करो, की है भी भाग ए काफ़ी बारी पेपर च पुछया जा चुका है, की है भी ये खब्बी मूत्र वहिणी है। जाइलम टिशू एक महत्वपूर्ण पौधा टिशू है, पौद्या विच जाइलम टिशू का कम है, जाइलम मतलब जल, किस दा प्रवहन करता बेटा है पानी दा, जाइलम टिशू का कम है जिहड़ा वो पानी दा प्रवहन करना है, जड़ां तों पत्तियां तक पानी दा प्रवहन करता है, जिहड़ा फ्लोइम टिशू हुंदा बेटा वो भोजन दा प्रवहन करता है। ठीक है, मादा प्रजनन प्रणाली दे दित्ते हुए चित्र विच भाग ए दा सही नाम की है, भाग ए दा सही नाम की है बेटा है अंडकोश, इतों अंडे सर्जित होंगे ने, तो यदा की नाम है सही, यदा सही नाम अंडकोश है। अगला फिर बेटा सही विकल्प आप चुनना, हेठ लिखियां विचों केड़ा मनुख विच मादा जनन प्रणाली का भाग नहीं, केड़ा मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, वह आप दसना है, अंडकोश भी हैगा बेटा, गर्भकोश भी हैगा, फलोपियन ट्यूब्स भी है, शुक्राणु वहिणी है जिहड़ा वह मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि यह मनुखी नर जनन प्रणाली का भाग है, तो ये सही ऑप्शन केड़ी आ जाएगी सी ऑप्शन शुक्राणु वहिणी। ठीक है, किसी दर्पण तो तुसी किन्नी भी दूरी पर हो तुहाडा प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा प्रतीत हुंदा है, संभव तौर पर यह दर्पण है, किहड़े दर्पण ने बेटा जिहड़े सीधा प्रतिबिंब बनाउंदे ने, किहड़े ने समतल ते उत्तल दर्पण, वस्तु नूं अवतल दर्पण सामने किस स्थिति ते रखा जाए तां जो प्रतिबिंब आभासी अते सीधा बने, देखो बेटा आ बनया होया आभासी ते सीधा प्रतिबिंब, देखो इत्थों पता लगता है वस्तु कित्थे कित्थे रखी गई, एफ अते पी दे विचकार आ वस्तु है, किहदे विचकार रखी हुई है एफ ते पी दे विचकार, फोकस ते पोल दे विचकार, ठीक है, मुख फोकस ते ध्रुव दे विचकार, पोल ते फोकस दे विचकार, मतलब एफ अते पी दे विचकार रखी हुई है वस्तु। ठीक है, इहदा डायग्राम देख के तुसीं
आसानी ना समझ सकते हो। अगला, किसी वस्तु का वास्तविक अते समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने लई वस्तु नूं उत्तर लैंज के सामने कित्थे रखा जाए, ये इंपोर्टेंट है, कित्थे रखा जाता बेटा आपां कीते होए ने इह, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, मतलब दो एफ ते, इत्थे जिवें उत्तर लैंज है इधरले पासे दी फोकस दूरी एफ आएगी, इत्थे दो एफ आएगी, इहनूं आपां दो एफ ते इत्थे रखना, ठीक है। इहदा प्रतिबिंब नीचे नूं बनूगा, समान समान बनूगा, वास्तविक समान आकार का, ठीक है। अगला, मनुखी अख जिस भाग ते किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाउंदी है वह है जिहड़ा बेटा, वह रैटीना, मनुखी अख रैटीना ते प्रतिबिंब बनाउंदी है। नेत्र लेंज की फोकस दूरी विच परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, रैटीना द्वारा, सिलरी पेशी द्वारा, आयरस द्वारा, किस द्वारा किया जाता बेटा, सिलरी पेशी द्वारा, इंपोर्टेंट है भी। हेठ लिखिया विचों किहड़ा पद बिजली सर्कट विच बिजली शक्ति नूं नहीं दर्शाउंदा है, किहड़ा बिजली शक्ति नूं नहीं दर्शाउंदा बेटा, आई आर स्क्वायर, यह बिजली शक्ति नूं नहीं दर्शाउंदा है, बाकी सब का मतलब बिजली शक्ति ही है, बाकी सारे बिजली शक्ति दे ही फार्मूले हैं। शॉर्ट सर्कट समय सर्कट विच बिजली धारा का मान, जो शॉर्ट सर्कट हो जाता, ओवरलोडिंग हो जाती है, उदों करंट का मान, बिजली धारा का मान बहुत अधिक वध जाता है, ठीक है। बिजल चुंबकी प्रेरण की घटना की है, किसी वस्तु नूं चार्ज करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली तो बिजली धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकी खेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली अते चुंबक के सापेख गति के कारण कुंडली विच प्रेरित बिजली धारा पैदा करना, किसी बिजली मोटर की कुंडली नूं घुमाउण की प्रक्रिया है, की है बेटा, है बिजल चुंबकी प्रेरण, प्रेरित बिजली धारा पैदा करना, कुंडली अते चुंबक दे विच सापेखक गति दे कारण कुंडली विच प्रेरित बिजली धारा पैदा करना, ये है बिजल चुंबकी प्रेरण। हेठ लिखे विचों किहड़ा जैव अविघटनशील पदार्थ है, मतलब जिहड़ा गलदा नहीं, ठीक है, उम्मी प्यारां दा, किहड़ा बेटा, प्लास्टिक। डीएनए दा पूरा नाम, डीएनए दा पूरा नाम की है भी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसड, ये ऑक्सी लिखा हुआ है, इत्थे भी गलत लिखा हुआ है, पहली ऑप्शन वैसे तो सही बनूगी, इत्थे डी भी आएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसड, ये दा पूरा नाम है। बिजली धारा पैदा करने की ब्योंत नूं की आखते हैं, जनरेटर, गलवाइनोमीटर, एम मीटर, मोटर, की आखते हैं बेटा, बिजली ना बिजली धारा पैदा होंदी है, करंट पैदा होंदा है, जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला, ठीक है। डैश दे अणुआ विच अनुवंशिक गुणा का संदेश होंदा है, जो मापियां तो अगली पीढ़ी विच जांदा है, ये तो सब नूं पता ही होना, किहड़ा होंदा बेटा, वो डीएनए दे अणुआ विच होंदा, ठीक है, डीएनए दे अणु विच अनुवंशिक गुणा का संदेश होंदा है, जो पिता तो बच्चों तक, मतलब अगली पीढ़ी दे विच एवें जांदा है। हेठ लिखा विचों किहड़े भोजन लड़ी का निर्माण करते हैं, घा कणक अंब, घा बकरी मनुख, बकरी गां हाथी, घा मच्छी बकरी, किहड़े करते हैं बेटा, घा बकरी मनुख, ये भोजन लड़ी का निर्माण करते हैं। बिजली प्रतिरोध दे एस आई मात्रक की है, की है बिजली प्रतिरोध का एस आई मात्रक, प्रतिरोध रजिस्टेंस कि मापा जाता ओम च, ठीक है। हेठ लिखे विचों सही विकल्प चुनो, पहला क्वेश्चन ये हेठ लिखे विचों किहड़ा पदार्थ लेंज बनाउण लई नहीं वरत्या जा सकता, किस नूं नहीं वरत्या जा सकता बेटा, रिफलैक्शन किहदे तों नहीं होगी, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी नूं नहीं वरत्या जा सकता। एक गोलाकार दर्पण अते किसी पतले गोलाकार लेंज दोवां दीआं फोकस दूरियां माइनस 15 सेंटीमीटर हन, दर्पण अते लेंज संभावित हन, किहड़े आ भी जिन्हां दी फोकस दूरी माइनस दे विच हुंदी है, नैगेटिव दे विच हुंदी है, किहड़े हुंदे आ उह, अवतल, दोवें अवतल दर्पण ते लेंज आ जिहड़े उहनां दी फोकस दूरी माइनस दे विच हुंदी है, मतलब ऋणात्मक हुंदी है, ते दोवें उत्तल ते उत्तल दर्पण ते उत्तल लेंज उहनां दी पॉजिटिव हुंदी है, ठीक है, धनात्मक हुंदी है। अगला, उत्तल लेंज की फोकस दूरी होंगी है, ये हूँ ही दस के हटे आप, उत्तल लेंज की फोकस दूरी की होंगी है बेटा, धनात्मक पॉजिटिव। उस अणु का नाम दसो जिसकी इलैक्ट्रॉन बिंदु रचना की बनतर चित्र विखाई गई है,
देखो किन्नियां कार बनाने भी दो कार बनाने अगे डबल बाउंड है क्योंकि इतने दो बारी लग्या होया है। देखो ये अपने को भी यह CH2 कि यह डबल बाउंड बनया इथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना की दिखती गई है बेटा इथीन की है ये स्ट्रक्चर है फॉर्मूला CH2CH2। ठीक है इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना की दिखाई गई है इथीन की सी ऑप्शन ये सही बन जाएगी। एक अवतल लेंज की फोकस दूरी 2 मीटर है उसकी शक्ति होगी। फोकस दूरी 2 मीटर है मतलब माइनस के होंगी है तो -2 मीटर आ जाएगी। शक्ति की होंगी भी पावर 1/f फोकस दूरी का उल्ट होंगी है मतलब 1/-2 मतलब -0.5 डैप्टर। ठीक है लग शक्ति कितनी बन जाएगी यदि -0.5 डैप्टर सी ऑप्शन इसलिए सही बन जाएगी। ठीक है जो मैगनीशियम रिबन हवा में साड़ा जाता है तो एक चिट्टा पदार्थ पैदा होता है उसका की नाम है बेटा मैगनीशियम ऑक्साइड। मैगनीशियम है जिहड़ा हवा नाल ऑक्सीजन नाल क्रिया करके एक चिट्टे रंग का पदार्थ बनाउंदा है उसनू मैगनीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है दूजी ऑप्शन इसलिए सही बन जाएगी। क्रिया की किस्म दसो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है बेटा दो जुड़ के तीजा बना रहे हैं दो का संयोजन हो रहा जुड़ रहे हैं एडिशन हो रही है। ठीक है तो कि क्रिया बेटा ये संयोजन क्रिया। ठीक है संयोजन क्रिया क्योंकि ये दो जने जुड़ के दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दो अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है की होंदा जो पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो चूरन से पाया जाता है की होंदा भी हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड पैदा होंगे ने। ठीक है की है पहली ऑप्शन इसलिए सही बन जाएगी पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो चूरन से जो पाया जाता है तो की होंदा हाइड्रोजन गैस पैदा होंगी है तो आयरन का की बन जाता है क्लोराइड। ठीक है पहली ऑप्शन सही बनेगी। मनुख विच गुरदे एक तंत्र का भाग हैं जो संबंधित है कि संबंधित है बेटा वो मल त्याग ना। ठीक है गुरदे दे विच जिहड़ियां फिल्टरीकरण इकाइयां होंदियां ने गुरदियां दी रचनात्मक ते कार्यात्मक इकाइयां होंदियां ने उहनां नूं की बोलदे आपां नेफ्रॉन ये भी पुछ लैंदे आ नेफ्रॉन। ठीक है गुरदे दीआं फिल्टरीकरण इकाइयां जां गुरदियां दी कार्यात्मक जां रचनात्मक इकाई की है नेफ्रॉन। ठीक है बेटा स्वै पोषी पोषण लई की जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी भी जरूरी है क्लोरोफिल भी जरूरी है सूरज दा प्रकाश भी जरूरी है मतलब उपरोक्त सारे जरूरी है ये चौथी ऑप्शन सही बनेगी उपरोक्त सारे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml घोल HCl दे 8 ml घोल ना पूर्ण तौर पर उदासीन हो जाता है जेकर असी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसे घोल दे 20 ml लईए तो उसनू उदासीन करने लई HCl दे उसे घोल की किन्नी मात्रा की जरूरत होएगी किन्नी होएगी बेटा। देखो 10 ml नूं करन लई किन्ना चाहिए HCl दा 8 ml। ठीक है हुण 20 ml वास्ते किन्ना चाहूगा दुगना हो गया ना तो किन्ना चाहिएगा फिर 16 ml जे 10 वास्ते 8 ml चाहिए तो 20 ml वास्ते किन्ना चाहिए अपन HCl 16 ml। ठीक है एक तत् ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके उच्च पिघलन अंक वाला यौगिक बनाता है ये यौगिक पानी विच भी घुलनशील है संभव तौर पर यह तत् है की है बेटा ये कैल्शियम कैल्शियम है जिहड़ा ऑक्सीजन नाल क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ये पानी विच घुल के घुलनशील है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है भोजन पकाने समय जेकर भांड्यां दा थल्ला बाहरों काला हो रहा होवे तां इस तो स्पष्ट है कि स्पष्ट है भी पहली ऑप्शन भोजन पूरे रूप में नहीं पक्या है बालन पूरी तरह नहीं जल रहा है बालन सिला है बालन पूरी तरह जल रहा है की है भी बालन पूरी तरह नहीं जल रहा है दूजी ऑप्शन सही है। आवर्ती सारणी विच खब्बे तो सज्जे पासे जाण नाल तरतीब बारे किहड़ा कथन सच नहीं मतलब किहड़ा कथन सही नहीं तत्तां दा तत्वी सुभाअ घटदा है बिल्कुल सही है संयोजक इलैक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है यह भी ठीक है इन्हां दे ऑक्साइड वधेरे तेजाबी होंदे यह भी ठीक है किहड़ा सच नहीं फिर तीजी ऑप्शन परमाणु सौख नाल इलैक्ट्रॉन गवा देंदे हैं
यह सच नहीं, ये गलत है। ठीक है, तत् एक्स एक्स सी एल टू सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाउंदा है जो कि वध पिघलन अंक का ठोस है। ये एक्स संभव तौर पर आवर्ती सारणी के उस ग्रुप में होगा जिस विच की है बेटा मैगनीशियम, क्योंकि मैगनीशियम की भी संयोजकता कितनी है, दो है। मैगनीशियम भी क्लोराइड इस तरह का बनाउंदा है, तो यह उस तत् नाल संबंध रखेगा जिदे विच मैगनीशियम होएगा। ठीक है बेटा, मनुख विच गुरदे एक तंत्र प्रणाली का भाग हैं जो संबंधित है मल त्याग, आप पहले ही कर चुके। अगे प्यूरुवेट के विखंडन ना कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ताप ऊर्जा देने की प्रक्रिया वापरती है, किस विच वापरती है, साइटोप्लाजम विच, माइटोकॉन्ड्रिया विच, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस विच, किस विच बेटा माइटोकॉन्ड्रिया विच, सैल दे शक्ति घर विच। अगे होर क्वेश्चन है अपने, लिंगी जनन वड़िंग द्वारा किस विच हुंदा है, किस विच हुंदा बेटा, ये जीस्ट विच हुंदा है, आपां कई बार कर चुके। प्राकोश विच हुंदा है, हरियां पत्तियां, बीज अंड, इस्त्री केसर, प्राग कण। प्राकोश विच की हुंदा बेटा, प्राग कण। ठीक है, मेंडल दे एक प्रयोग विच लंबे मटर दे पौधे जिन्हां दे वैंगनी फुल सन दा संकरण बौने पौद्या जिन्हां दे सफेद फुल सन नाल कराया गया, इन्हां दी संतान दे सारे पौद्या विच फुल आ जिहड़े ओह बैंगनी रंग दे सन, पर उन्हां विच्चों लगभग अद्धे बौने सन। इस तों कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौद्या दी अनुवंशिक रचना नियमन सी। देखो भी अद्धे बौने सी, जे एक मतलब लंबा सी तो एक बौना सी मतलब, ठीक है, क्योंकि अद्धे बौने सी ते दोवां दे फुल किहड़े सी वी बैंगनी रंग दे, तां इह बणूगी रचना उन्हां दी। तीजी ऑप्शन इहदे लई सही बन जाएगी, कैपीटल टी समॉल टी कैपिटल डबल्यू दो बारी। ठीक है, तीजी ऑप्शन सही बनेगी। करंट या बिजली धारा की इकाई की है, कि है भी करंट या बिजली धारा की इकाई एम्पीयर है। ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल अंतर की इकाई है, ओम प्रतिरोध की, तो वॉट शक्ति की पावर की इकाई है। वी इज इक्वल टू आई आर किस निजम नूं बयान करता है, सबनों पता होना बेटा किहड़ा निजम है, ओम का निजम। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर पोटेंशियल अंतर बिजली धारा के सीधा अनुपाती हुंदा है, इत्थों आपां लिख दे हुंदे आ वी इज इक्वल टू आई आर, ये किहड़ा निजम है, ओम दा निजम। किसी शब्दकोश विच छोटे अक्षरां नूं पढ़न समय तुसीं हेठ दित्तियां विचों किहड़े लेंज नूं पहल देओगे, देखो भी छोटे अक्षर पढ़ने ने शब्दकोश दे विचों, मतलब नेड़े दी निगाह पढ़न च दिक्कत है, दूर दा साफ मतलब नेड़े दी निगाह च दिक्कत है, तां किहड़ा दोष है बेटा, दूर दृष्टि। हुण दूर दृष्टि है तो उहदे लई उत्तर लेंज, उत्तर लेंज दी फोकस दूरी घट होनी चाहिए है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तर लेंज वरतांगे आपां। ठीक है, मनुखी अख नेत्र लेंज दी फोकस दूरी नूं व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न दूरी ते रखियां वस्तुआं नूं फोकसित कर सकदा है, मतलब भिन्न भिन्न दूरी ते रखियां वस्तुआं नूं साफ देख सकदा है मनुखी अख। ठीक है, अजिहा हो सकण दा की कारण है, की कारण है बेटा, इस नूं आपां की बोलदे हां, मनुखी अख दी अनुकूलन समर्था, जिस नाल आपां नेड़े दियां दूर दियां वस्तुआं नूं साफ देख सकते हैं, तो वह अपनी की हुंदी है, मनुखी अख की अनुकूलन समर्था। प्रतिरोध आर दे किसी टुकड़े नूं 5 बराबर भागों में कट्टिया गया, इन्हां टुकड़िया नूं फिर समांतर विच जोड़िया गया, जेकर संयोज का तुल प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात की है। देखो भी पहला उहदा प्रतिरोध सीगा आर, ठीक है, हुण आपां आर डैश कढ़दे हां, उहनूं 5 बराबर भागों में वंडिया गया, हरेक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होजूगा, आर वटा 5 हो जूगा। ठीक है, क्योंकि वह प्रतिरोध आ जिहड़ा इत्थे आपां लिख रहे हां, मैं आर इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एल अपॉन ए, मतलब लेंथ दे सीधा अनुपाती है, जे लेंथ उहदी घटूगी तां प्रतिरोध भी घटूगा। ठीक है, 5 भाग करते ने, लेंथ का 5वां हिस्सा हो गया तो प्रतिरोध का भी 5वां हिस्सा हो गया। हुण इन्हां नूं 5 नूं 5 नूं समांतर दे विच जोड़िया गया, तो आपां समांतर दे विच जोड़दे हां, 1 अपॉन आर डैश बराबर 1 का आर वटा 5 बनया सी, तो इहनूं आपां किन्ना लिखांगे भी 5 वटा आर, उल्ट लिखांगे ना, 5 ने ये 5 जुड़नगे, 5 वटा आर 5 वटा आर 5 वटा आर। ठीक है, हरेक का आर वटा 5 सी प्रतिरोध, समांतर च जोड़े ने आर एलसीएम 5, 10, 15, 20, 25 25 वटा आर, जां आपां कहीए आर डैश बराबर आर वटा 25।
जिहड़ा समांतर दे विच प्रतिरोध बनूगा वह बनूगा आर डैश बराबर आर वटा पच्ची। हुण आपां अनुपात किहदा देखना भी आर वटा आर डैश का, सॉरी आपां देखना आर वटा आर डैश का, आर आर डैश अपने कोल कितना आया सी भी आर वटा पच्ची, पच्ची उपर चला जाएगा आर ना आर कैंसल, मतलब कितना आ जाएगा अनुपात इन्हों का पच्ची। ठीक है आर वटा आर डैश किन्ना मान आ जाएगा बेटा पच्ची आ जाएगा। ठीक है चौथी ऑप्शन इसके लिए सही बन जाएगी। ठीक विकल्प चुनो किसी बिजली धारा वाली सीधी लंबी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकी क्षेत्र, पहली ऑप्शन जीरो होंदा है, इस दे सिरियां वल जाण नाल घटदा है, इस दे सिरियां वल जाण नाल वधदा है, सारे बिंदुआं ते बराबर होंदा है। की होंदा सोलेनॉइड दे बेटा सारे बिंदुआं ते चुंबकी खेतर बराबर होंदा है। हेठ लिखियां विचों केड़ा किसी लंबी सीधी तार दे नेड़े चुंबकी खेतर दा सही वर्णन करदा है। तारां दे उपर सीधियां लंब रूपी रेखावां दा बनदा खेतर, तार दे समांतर सीधियां रेखावां दा बनदा खेतर, तार तो पैदा अर्धव्यास रेखावां दा बनदा खेतर, तार दे दुआले सम केंद्री चक्करां दा बनदा खेतर, ये बयान करता बेटा। ठीक है तार दे दुआले जिहड़े सम केंद्री चक्कर बनते हैं उस नूं इह बयान करता है। ठीक है लंबी सीधी तार दे अंदर दा जिहड़ा चुंबकी खेतर है उहनूं आपां सज्जा हथ नाल भी सज्जा हथ ने जिवें पता करदे हुंदे आ। की ऑप्शन आएगी चौथी ऑप्शन तार दे दुआले सम केंद्री चक्करां दा बनदा खेतर। विद्युत चुंबकी प्रेरण की घटना कर चुके आपां पहले ही, कुंडली अते चुंबक दे सापेख गति दे कारण कुंडली विच प्रेरित बिजली धारा पैदा करन नूं आपां की बोलदे हां बिजली चुंबकी प्रेरण। हेठ लिखियां विचों किहड़े भोजन लड़ी दा निर्माण करदे ने बेटा घा बकरी अते मनुख। अगला क्वेश्चन हेठ लिखियां विचों किहड़ा वातावरण पक्षी व्यवहार नूं दर्शाउंदा है, बाजार जांदे समय अपना समान समाली कपड़े थले लै जाना, ठीक है कार समाप्त होने लाइट अते पक्षी दा स्विच बंद कर देना, ये भी ठीक है भी जदों अपना काम हो गया तो लाइट अते पक्षी नूं बंद कर दिओ। मां द्वारा स्कूटर अते स्कूल छड्डन दी बजाए तुहाडा स्कूल नूं पैदल जाना, ये भी ठीक है, मतलब प्रोक्त सारे की है सही हैं, वातावरण पक्षी व्यवहार नूं दर्शाउंदे हैं। अजिही धात की उदाहरण दो जो कमरे ते तरल है, जिहड़ी धात आ भी जिहड़ी कमरे ते तरल है पारा। ठीक है पारा जिहड़ी धात है वो कमरे ते कमरे के तापमान ते तरल अवस्था विच हुंदी है, द्रव अवस्था विच हुंदी है, इहनूं मरकरी भी बोलते हैं पारा जां मरकरी धात। अगर आपां नूं बेटा अधात पुछ लैण भी किहड़ी अधात कमरे के तापमान ते तरल है तो आपां की लिखांगे ब्रोमीन। ठीक है ब्रोमीन अधात कमरे के तापमान ते तरल है। अगला क्वेश्चन अजिही धात की उदाहरण दो जो ताप की उत्तम चालक है, वधिया चालक है, किहड़ी है बेटा वो चांदी, चांदी है जिहड़ी वो ताप की उत्तम चालक है। ठीक है इसके बेटा अपने एक एक अंकों वाले क्वेश्चन, मैं उम्मीद है तुहानू ये समझ भी आ गए होणगे, इन्हां दे विचों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुहानू पक्के पेपर दे विच जां प्री बोर्ड दे विच पुछे जाणगे, ये तुसीं अपनी कापी दे नोट कर लेने ने, जे तुहानू समझ नहीं लग्या तो वीडियो नू एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है बेटा ये तुहानू पेपर दे विच पुछे जाणगे। ठीक है जी थैंक यू।